मुकाबला है और इस फाइनल मुकाबले को फाइनल मुकाबले की तरफ खेला जाए तो आज विजय साहनी का जो सपना था वो साकार होता हुआ नजर आ रहा है। एकलव्य सेवा मंडल सूरत गुजरात हिंदू मुस्लिम सद्भावना साहनी जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। बिल्कुल पैसे की जो टोकरी रखी हुई है, इन्होंने हर छक्के पर 100 रुपए की इनाम लगा चुके हैं और ये अंपायर का इशारा नो बॉल और गेंद सीमा रेखा से बाहर चली गई है। 4 रन आज यहां पर हो चुका है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी स्मूथ है एकदम, जितनी भी तारीफ करें कम होगी। तो बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे हो रही है लेकिन उतना ही अच्छी बल्लेबाजी भी हो रही है। रंजीत इसमें आर्यस स्पोर्ट की तरफ से बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब पहली बार सामना करेंगे प्रदीप यादव जो कि लेफ्ट हैंडर, लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन है। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज प्रदीप यादव जो सिरसिया से चलकर आते हैं, आज आर्यस स्पोर्ट के साथ खेल रहे हैं, आर्यस स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं और ये 150 रनों का जो बड़ा सा स्कोर मिला है उसको कैसे कबूल करते हैं आर्यस स्पोर्ट के खिलाड़ी। निश्चित तौर पर जो राघवेंद्र ने अतुलनीय पारी खेली है उसको ध्वस्त करते हैं या नहीं, निश्चित तौर पर 7 नंबर जर्सी का खिलाड़ी और इस बार खेला है, गेंद को भेजा बहुत ही बढ़िया, जितनी भी तारीफ करे कम होगी। लेकिन ये देखिए उत्साह बहुत ज्यादा था इस फील्डिंग में, लेकिन सचिन की जितनी भी तारीफ करे, व्हाट अ फील्डिंग, जितनी भी तारीफ करे वो कम होगी। तो आंखों ही आंखों में एक रन चुराया तो बढ़ता हुआ स्कोर इस समय आरएस स्पोर्ट का 7 रन, अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। बहुत ही बढ़िया मैच हो रहा है इस समय। ताल नर्जा विजय साहनी के ग्राउंड पे, निश्चित तौर पर ये अपने गुलंदियों की तरफ जा रहा है, बहुत ही बढ़िया। इस समय भूपेंद्र सिंह गेंदबाजी कर रहे हैं और घूमकर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद गिरने के बाद थोड़ी सी बाहर निकली और जब तक महबूब गेंद को पकड़कर खिलाड़ियों द्वारा भेजते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं और दोनों तरफ से अंपायर का इशारा संभवतः ये नो बॉल था क्या, सॉरी हम देख नहीं पाए थे और ये फ्री हिट है, सॉरी। फिर से गेंदबाजी कर रहे हैं भूपेंद्र, उनके सामने है, बार बार वॉक करना चाह रहे हैं रंजीत लेकिन बल्ले और गेंद से कोई संपर्क नहीं। अंपायर का इशारा वाइट, गेंद गिरने के बाद थोड़ी सी बाहर निकली और अंपायर का इशारा वाइट, इस तरह से बढ़ता हुआ स्कोर आर्यस स्पोर्ट का 8 रन। तो पहला ओवर इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह जो महाराजगंज से बिलोंग करते हैं और अपने समय के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में से एक जाने जाते हैं, लेकिन उनके सामने है बलिया के सबसे विध्वंसक बल्लेबाज रंजीत और इस बार घुमा कर खेला, उसके नीचे खिलाड़ी है और गेंद को जब तक गेंदर करते चहल कदमी करते हुए 1 रन चुराया तो बढ़ता हुआ स्कोर इस समय आर्यस स्पोर्ट बलिया का 9 रन। तो शुरुआत कुछ अच्छी नहीं नजर आ रही है लेकिन शुरुआती दौर में ये टीम थोड़ी सी धीरे खेलती है लेकिन धीरे धीरे गियर को चेंज करती है। तो पहला ओवर अभी भी प्रगत पे है और थोड़ी सी राघवेंद्र को कुछ परेशानी हो रही है, अंपायर संजीव सिंह से कुछ बातें कर रहे हैं और अंपायर के ऊपर दबाव ना डालें क्योंकि अंपायर का अंतिम निर्णय होता है और अंपायर अभी संजीव सिंह जो कि अनुभव का पिटारा रखे हुए हैं, निश्चित तौर पर इनके पास बहुत बड़ा अनुभव है, किसी भी फॉर्मेट में इनको उतार लिया जाए। इसी बीच अभी खिलाड़ी तैयार ही नहीं था, अंपायर ने इस गेंद को रोक दिया है। तो दर्शकों का हुजूम धीरे धीरे यहां पर और इकट्ठा होता जा रहा है और क्यों ना हो ये फाइनल मुकाबला चल रहा है दो बड़ी टीमों के दरमियान और इस बार लाठ दिया है प्रदीप यादव ने गेंद को मिड विकेट एरिया में 6 रनों के लिए। तो बढ़ता हुआ स्कोर इस समय आर्यस स्पोर्ट का 15 रन, हालांकि कोई सफलता अभी तक हाथ नहीं लगी है
रज्जी एंड कंपनी को। इस समय पहला ओवर प्रगत है, 15 रन बन चुका है। इसमें भूपेंद्र सिंह हमसे दूर जाते हैं और इस बार उठाया है उसके नीचे खिलाड़ी और निकल जाप हो गया। बहुत बड़ा नुकसान आपने किया निश्चित तौर पर प्रदीप यादव। बहुत तो एक लक्ष्य सूरत गुजरात मुस्लिम सद्भावना कल का ये फाइनल मुकाबला चल रहा है। जफरन जेड के माध्यम से जितने भी लोग दूर दराज से नहीं आ पाए हैं वो लोग देख सकते हैं फेसबुक पे। तो संभवतः पहला ओवर समाप्त हुआ, एक ओवर की समाप्ति के बाद बढ़ता हुआ स्कोर इस समय पंद्रह रन। तो 150 रनों का जो टारगेट मिला है पहले ओवर में बिना कोई विकेट खोए हुए 15 रन बना ली है। आरएस स्पोर्ट की टीम आप गेंदबाजी करने के लिए आए हैं राजा, 5 नंबर जर्सी के बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी के लिए माने जाते हैं राजा। राघवेंद्र बार समझा रहे हैं को देखा पहला टीम की तरफ से दूसरे ओवर की गेंदबाजी करेंगे राजा। बहुत ही बढ़िया कमाल का अवसर है इस खिलाड़ी का। तो राजा वाराणसी से बिलोंग करते हैं, धीरे धीरे तक भरते हुए बाल को क्रॉस किया उनके सामने है रंजीत और इस बार आप वाली पर लेकर खेलना चाहते थे लेकिन ये बॉलों में गेंद कैच तुम लगातार कैच हो रहे हैं मैच कहानी कुछ इस तरीके की दोहराई जा रही है। लेकिन ये है रंजीत एक कदम पीछे हटकर लंबी छलांग लगाते हैं। अगर ऐसे खिलाड़ी का अगर आप कैच छोड़ते हैं तो ये महंगा पड़ सकता है। लंबी रेस का घोड़ा है आपके सामने रज्जी एंड कंपनी गलती पे गलती कर रही है और कहीं ये गलती ना छोड़ ना बन जाए। तो इसी तौर पर यहां पे राजा खुद कैच छोड़ दिए थे और ये अच्छी गेंद फिर से इस बार था उसके नीचे खिलाड़ी राघवेंद्र तेजी से दौड़ रहे हैं। लेकिन दर्शक मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोग दर्शक जितने भी हैं साइड हो जाए अच्छे हट जाए क्योंकि ये फाइनल मुकाबला है। आप लोग चाहते हैं कि विवाद हो जाए लेकिन आप लोग समझदार हैं अंपायर का इशारा एक रन जितने भी वहां दर्शक है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चले जाए नहीं तो हमें कड़ा रुख लेना पड़ेगा। आप लोग थोड़ा सा हट जाए वहां से मैच का अंपायर रोक दे 2 मिनट मैच को रोक दे वहां से हटा दे क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। आप लोग वहां से हट जाए ये फ्री हिट है क्या तो छोड़ कर चेंज किया है और देखते हैं उनके सामने प्रदीप यादव पहली बार सामना करेंगे राजा चले हैं अच्छी गट भरते हुए उनके सामने प्रदीप इस बार गेंद को खेल और अपने कंजे में पहुंचा प्रदीप को तो लगने वाला ही एक पहला झटका को लगने वाला पहला आघात निश्चित तौर पर ही बहुत बड़ी मछली जाल में फंसी है। प्रदीप से बहुत बड़ी उम्मीद थी कप्तान को अब जा रहे हैं उनका स्थान लेने के लिए समी यादव। मैच को तेज करो मैच अब यहां से जितना देर करेंगे बैटिंग टीम को नुकसान है। बड़ी रिक्वेस्ट है कि दोनों टीमों को आप रेट करो अन्यथा ये फाइनल कंप्लीट नहीं हो पाएगा। वॉलंटियर आप हिंदू मुस्लिम से बाना कर एक लक्ष्य मंडल के जितने भी पदाधिकारी मिल रहे हैं आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं
कि जो काम करना है तुरंत सारे काम दो आप आखिरी रूप दो, क्योंकि सनी भी दो अगर चले जाए मैच तेज करिए आपको दिक्कत है बल्लेबाजी में, क्योंकि जितना देर होगी आपको बैटिंग करने में दिक्कत होगी। हमें क्या, हम लेकिन चाहते हैं कि मैच बढ़िया हो जाए, सबको देखने को मिल जाए। राणा चौधरी सनी के विकेट पर 200, ये राजा है, पिछले मैच में इसने बाजा बजाया था, मैं खरीद गए थे। ये राजा है जिसने लोमान और रसाला जैसे बल्लेबाज को आउट किया था, टीम की कमर तोड़ दी थी। जितबाजी बड़ी अच्छी है उनके पास, देख रहे थे विशाल फैजाबादी, उसके बाद पीटू और सद्दाम, जसप्रीत बुमराह, अभी इनका भी गेंदबाजी बनाना बाकी है। ये देखो कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, राजा आज है छाया, स्कोर हुआ 17 रन। कल्पना चावल पैसे की बोरी घर से लेकर आए थे, हर छक्के पर सौ मारे और ले जाओ चार, ये बोल दिया इन्होंने मुंबई से बोली। रेहान खान साहब की तरफ से नहीं, कल्पना सावी की 200 रुपए का मोबाइल, अभी 300 जमा, स्कोर 11-5 गेंद हुई है। जी सर ठीक है, आप सही है, आप सर बिल्कुल दिमाग को ठंडा रखिए, आज शाम को कैची नाम है राजा। राजा को 200 है जी, हैट्रिक छक्के रामदेव देवा सिंह चौहान की तरफ से, रंजीत के विकेट पर 300, बाप रे सारे पैसे खिलाफ लगाए, आगे इस बोर्ड से अलग ही दुश्मनी है। शाबाश राजा को 200 रुपये का इनाम आ चुका है, 2 ओवर 23 रन, 2 ओवर 23 रन। हम देख रहे कोई न्यूज चैनल से आ रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और जो है संभवतः इसको जो है अपने चैनल पर पोस्ट करेंगे। ये मैच में देरी करे नहीं, बिल्कुल नहीं, हम जो हम कंपनी रखी लेवल ये मैच को चालू रखे अंपायर ग्राउंड में, यहाँ टारगेट फिर दिक्कत होती है। महेश राय जी कहा है आप, आइए दूसरा इंतजार करिए। बोम बोम बुमराह, बुमराह इज गोइंग टू अटैक टुमारो आर्मी से यार, ऐसे इनका नाम नहीं है, अब उनकी गेंदबाजी में भी वैसी तेज देखेंगे। बुमराह गोइंग टू बॉल जी, कैप्टन सीट है वो बिल्कुल एक शख्स के, जो कैप्टन है मैदान के अंदर राघवेंद्र जी लीड करे तो राघवेंद्र जी करे ठीक है, एक ही जन करे सभी जन करे दिक्कत हो रही है। अब बम बम बुमराह, बुमराह तुरंत अपील थी, जोरदार अपील, बुमराह को देख के जनता खुश, ताल लड़ खुश, चारों तरफ दर्शक खुश, रामनगर से आपकी मेहनत खुश, राणा जी आपकी मेहनत सफल हुई, सभी भाइयों की मेहनत सफल हुई। रुके तो है, ये देखिए बुमराह क्या गेंदबाजी हो रही है, 23 रन है 150 के जवाब में,
अब इधर अजबे एक्शन बाइन कर कतलाना गदबाजी कर बाइन दिल की छत छोड़ दे बालन का कर सकते ए भैया लोग देखा ए हां ऐसे लग रहा है जैसे उड़ान भरने को जा रहे बिंद्रा दुनिया गेंदबाजी। हाँ अब लगा है कि पैर ले जाने दे सका है विशाल भेजा आदि भी सोच रहे कितने आलाम के दौर सेक्शन है। चलिए ठीक है चलिए बम बम बिंद्रा बम बम अपने काम कलाकारी को दिखा रहे राघवेंद्र ने नई खोज की है बिंद्रा को लाए बोला भैया ये हमारी टीम में चाहिए अगले दिन सिलेक्शन होगा पूरी श्रृंखला में नहीं थे सिर्फ इसी टूर्नामेंट में इसी मैच के लिए कुछ नया करके लाए खोज कर लाए इसको दिन दिन बिंद्रा तीन गए थे एक से नहीं ऐसा भी समझ नहीं आ रहा ऐसा भी क्यों नहीं समझ में आ रही है लेकिन बिल्कुल कहा गई है हमको भी नहीं दिखी हाथ में मेरी कैच छुड़ गया भाई हमको भी अच्छा सुना चाहिए आई भी फिर से संपर्क करना पड़ेगा बोला चार गेंद कहीं मिले इधर गिरता ही आता है ये बोला तेरा नाम गंगा गेंद टूट गई सबसे सफल होगा पूरे श्रृंखला में टक्कर बलराम पांडे एक ओवर में डूबे भैया ओवर जल्दी करना है फैजाबादी है एक ओवर अनिरुद्ध फैजाबादी फोकस कर दिया बिंद्रा फोकस ये भाई सर्दी को मारी थे कहते हैं कि फैजाबादी अनिरुद्ध बड़ा मीठा होगा लेकिन ये गेंदबाज भैया कैसे तक गेंदबाजी कर पाए फैजाबादी बिंद्रा ये हमजा और राघवेंद्र की खोज है कैच चलिए कैसे गेंदबाज करवाते हैं तो किसी ने नहीं देखा ये देखिए उड़ान भरी चौबीस तीन ओवर चौबीस हाँ बिंद्रा का ओवर कैसे तीस अगर पैसे तो टूर्नामेंट सफल आज स्ट्रगल कर रहे रन भी दिया जाए हालांकि ऐसा कम देखने को मिलता है तो दुनिया यहां पर कई बेमिसाल पारी खेली है 18 रन 2 विकेट 50 रन 1 विकेट 56 रन राघवेंद्र बड़ी दिलचस्प लड़ाई है देखो देखो क्या इनके पैर के जो लेयर है वो ऊपर है तो समझ जाना कि वो सर्वात सर्वात है। अब आए विशाल अब ये भी त्रुट का इक्का है कमरान को ऐसे आउट किया कि समझ ही नहीं आया अब देख रहे विशाल फैजाबादी अब ये भी कलाकार के बाद सारे कलाकार घूम गए हैं शाहबाद अच्छे लग रहा है याद आ गई अब हमें जाएगा ये कॉम्बिनेशन में आपने कर सकते ये देखो शाहबाद इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा सिक्स लगा दिया इनके रडार में घट आएगी तो सीधे पाल मिर्जा के पाल में जाएगी स्कोर हुआ 30 रन 24-36 सारा दो घंटे दो छक्के ये
Yeah.
नहीं दिखाई देगा आपको जीती के टाइम देता है कि बस 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 थोड़ा सा अब देखिए बुमरा ये बुमरा गेंदें तो अच्छी डाली है ये देखिए ये सही बोल रहे अरे भैया कहाँ लड़ गए किससे लड़ गए आप ही का नुकसान होगा नो बोल रही बुमरा भी इंडिया टीम में वो डालते हैं तो यहाँ हमारा भी बुमरा डाल दिया हैट्रिक विकेट पर 2000 राम निवास जी हाँ मैं के पुराने फाइनल से तभी महेश राज जी ने देखा है समझ रहा है और जीसे के फाइनल से है ना जी बिल्कुल बिल्कुल चौहान जी समझ गए बुमराह को कुछ चोटें भी आई है बार भेजा बाधी टेंशन मत लो रोहन भाई की तरफ से जो पांच करके का काम नहीं आया तीन छक्के लगे थे शहबाज ने लगाए थे पांचवा ओवर अभी पांच ओवर आना बाकी है बिल्कुल गेम स्पीड दिखाइए आप लोग पांच ओवर मैच बचा मैच जल्दी करिए कमांडर
ही सब हमारे शेर है, ताल लहचा के हमारे छोटे छोटे दोस्त कहने भैया तू गजबे बोलेगा। भैया मैच में 20 रन बचाए हैं, 30 गेंदें डाली है, मैं चाह रहा हूँ हमजा भाई आप क्या मिस स्पीड दिखाए, राघवेंद्र भाई आप क्या मिस स्पीड दिखाए। मैच होने दे, जीत का निर्णय हार जीत होती है लेकिन मैच का निर्णय होने दे। भैया मैं चाह रहा हूँ भैया दो तीन जो गेंद बची है वो भी स्टॉक में रखे। डीएस स्पोर्ट का ऑनर विजय साहनी भी कहा है गेंद स्टॉक में रखे, गेंद एक भी मैं कब्जारी ना हो पाए, स्टॉक बनाइए और रखिए ठीक है। बहुत बढ़िया भैया आपने जो पूरा दिले जीत लिया है पूरा जगह के झुका लाला महाराज देवे ऐसे खिलाड़ी नहीं कर रहा है। अंकुर सिंह को छोड़ दिया जाए वो भी आने के बेताब थे, भारतीय टेनिस क्रिकेट टीम के कैप्टन लेकिन समय नहीं मिल पाया, इनका बंगाल में मैच चल रहा है, बोले भैया नहीं आ पाएंगे बहुत प्रयास कर रहे हैं। और केहू जब ना बचल बा उत्तर प्रदेश में जो स्टार बा युवा आई बा सब लोग आई बा राजकुमार। अब देखते अभी तक किसी ने इस मैच में राजा को अच्छे से नहीं खेल पाया। अब ये हेलो नीरज दावत फिर ये पुराना चाल तगड़ी के 29 गेंदें और डालिए भैया पहली लाए राजा आपके पहली लाए राघवेंद्र भैया पीछे से बिल्कुल नहीं अब बिल्कुल तेज मैच करने दे बड़ी रिक्वेस्ट है मैच तेज करे कोई आए कोई भी तो ये लेकिन मैच होना चाहिए क्योंकि दिक्कत होगी अंधेरा होगा तो सब कुछ दिक्कत होगी। लेकिन कहना तो नहीं चाहिए आप इनकी शरीर को देखेंगे रवि भाई की तो आप नहीं कहेंगे कि इतने बड़े छक्के लगा सकते हैं और इतना बढ़िया ढोंग कर खेल सकते हैं लेकिन भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है। छत पे देखो इसको एक सेकंड कमांडर के नोट करना भाई भैया ने पानी पिलाया भैया अरे फिर तो शाम वाला है यही जीवन बना चलिए रात के सबसे बड़ा तो यह ऊंचाई में बड़ा था ऊंचाई तो थी सहराज से ज्यादा लेकिन जो लंबाई है वो कम थी ये रस्से ऐसे सिक्स लगाते हैं और जब बल्लेबाजी करते हैं तो गेंद भी सस्ता भैया हमारे कैसे पारा पड़ गई ना ये तो हमारे चमेलिया जो खा रही है तू कदम उनके पहले बाकी ना इसको राम निवास चौहान जी 500 रेहान खान साहब 500 भी क्या ये अभी एक बार देख ही रहे इस समय ले जाकर संजीव भाई तोड़ कर चल रहे हैं प्लीज ये विलंब ना करें अभी चार रन नहीं हो पाएगा। ये चमचमाते की ट्रॉफिया क्लियर हो चुका है इसी एक पे आ जाएगी या आर्यस स्पोर्ट मालिकपुर जाएगी और एक रची स्पोर्ट पे जाएगी ये सर में जाए करे आज के दिन में पहले बजे आई हैट्रिक पे है पहले मैच में 35 छक्के 32 दूसरे में 33 और अभी इसमें 22 लग चुके हैं कल्पना साली जी सारे छक्के निकले हुए हैं चलिए राजा हैट्रिक करे रेहान खान साहब 500 पब्लिक ही राम निवास चौहान जी 500 300 रुपया कल्पना साली जी 1300
पब्लिक है इज्जत मिलेगी दोस्तों, ईमान होना चाहिए, पैसा नहीं आ रहा पहचान होनी चाहिए। मंडल के तत्वाधान में हिंदू मुस्लिम सद्भावना कप जीता सबसे मिले कहता राम नरेंद्र साहनी जी, अशोक कुमार निषाद, बिजू निषाद जी, राणा साहनी जी, प्रभुनाथ साहनी जी, इलेक्शन साहनी जी, विजय साहनी, जितेंद्र साहनी, पवन साहनी, चार गदे चार छक्के, स्कोर स्कोर हुआ 80। अभी आ सकते हैं लगातार 5-6 रवि के बैट से निकलता हुआ। बढ़िया बढ़िया भाई प्रवीण बलिक भाई, एकदम फर्स्ट क्लास। अपनी बताओ, सातवां ओवर चल रहा है मेरे ख्याल से। रवि का 6-6 पूरे, देखना है सातवां लगता है या नहीं, फटाफट कमेंट करो और बता दो। राजा की बॉल पे लगा है 5, राजा की बॉल पे लगा है 1, भूपेंद्र सिंह की बॉल पे लगा है।
एक ही बार जो रियान खान साहब लगा देते रहे सारे लोग शेयर कर दो, शेयर कर दो सारे लोग। छह पर छह हो गया, अभी स्कोर गया, बाकी टूट गया, मिस कर गए एक बॉल। अब इससे पहले कितने गेंद बची है? चार गेंद हो चुकी, दो गेंद बची है, यानी 20 गेंद बची है। फाइनल मैच हो रहा है, पर सारे लोग इस मैच कम से कम फाइनल मुकाबले के लास्ट इनिंग में सारे लोग लाइक और शेयर कर दो। यानी रात निवासी ने जो पैसे दिए थे दिए, और यहाँ पर कल्पना सहनी थी के 900 सबसे दिलदार कल्पना सहनी थी मुंबई से छोला भगत पैसा लाया। मोहसिन भाई बताता हूँ इसी के साथ एक बार और गेम ले एक सौ पांच हो गया है, 18 बॉल 45 रन, 45 रन। लेकिन हमने इतनी ताकत नहीं आती जितनी आप पे, आप बड़े हैं अच्छा लगते हैं, आपकी बल्लेबाजी बेखौफ करते। 18 बॉल 45 रन 18 गेंद पर कौन जीतेगा इस बार? सारे लोग कमेंट करके बता दो। 18 पर 45 हर बार ये मैच ऐसे हुआ, हर बार ये मैच और दिलचस्प हो गया। बिल्कुल 11:45 बाल 39 रन 39 सोलह ओ 16 गेंद 16 गेंद 10 गेंद बॉल ये अनप्रेडिक्टेबल क्या है? 15 बॉल 39 रन कितने हरमिंदर जा रहे हैं, चार हो गया। चलिए अब यहाँ से 14 बॉल 35 रन 14 गेंदों में, यानी इस समय में अगर बैटरी नहीं आए तो दबा रहेगा इस कल पर भी विनर इंक्रू आएंगे, ऐसा नहीं बल्लेबाजी में बड़ी कह रही है बाबू मार। आर्यस स्पोर्ट मालिक, आर्यस स्पोर्ट बलिया के नाम से दर्शक से गेंद लड़ी पे भागना है ये बात ध्यान में रखेंगे। अंपायर सर ने बताया होगा पहले ही आउट थी, दर्शक के लड़की तो भागते रहिए, रुकना नहीं।
या चार दीजिए, नहीं भागना है आपको। अभी दोनों बाउंड्री अभी आना बाकी है, बहुत बढ़िया बल्लेबाज है। ऑलराउंडर मैं तो मानता हूँ उत्तर प्रदेश में टॉप पांच ओवर गिने, इसमें रंजीत और बलवान दोनों लोगों का नाम आएगा। ये है वे बाबू आउट, 12 बॉल 35 रन। मोदी बलराम पांडे आएंगे, ये मेरा अनुमान है, मैं कमेंट्री करता हूँ। बिल्कुल बलराम पांडे, क्योंकि बहुत अच्छा बल्लेबाज है। अब चाहिए 35, 12 गेंदे 35, दीपेंद्र भैया पे आऊंगा बस। राणा सर आप बिल्कुल खुश है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेरे साथ फिर दिल लगे हुए, बस इसलिए मैं टूर्नामेंट से खेलेगा, पूरी मेहनत सिक्का करती जान से मिल लगा रहा इस पता करता ही एग्जाम में ये टूर्नामेंट कामयाब हो गया। और आपका जो सम्मान हमने दिया है 1,00,000 मंडल, ये लोग जुड़ना चाहते हैं भाई, हिंदू मुस्लिम सभी भाई सुनिए, गरीबों के उत्थान के लिए बना गया है 1,00,000 मंडल, चिकित्सा के लिए बना गया है, लोगों की मदद के लिए बना गया। 12 गेंदे 35, ये चार रन क्या है, अब ये क्या है, भागना है भैया, हम बता रहे हैं लगा दो, नहीं अभी क्या है, मैच होने दीजिए।
है ना भाई, जितने भी लोग हैं मैदान में बाहर दो, बैटिंग टीम के भी जितने सदस्य हैं बाहर जाए। वही आकर अपना फैसला सुना दे, मैं वही बोल दूं, नहीं सुनना क्या करिए, जो आपका फैसला बताओ भैया, जो दर्शक है उनका कोई वो नहीं है, रुकी नहीं है सभी लोग, भाई सभी लोग कहाँ जा रहे हो, कोई अंदर नहीं जाएगा, रन चाहिए था, पब्लिक से कुछ गड़बड़ हो गया भाई, फोर है सिंगल, वही नहीं कंफर्म हो पा रहा, ठीक है जी भैया, डेड बॉल हो गई है, डेड बॉल दे दी गई है।
आरोप पर जो है पावर बैंक साथ कितनी ज्यादा है, कितना करेगा कोई, हटा रहे हट नहीं रहे। 10 बॉल 35 रन। दस पर 35 चार रन चौथा 9 पर 29 35 31 31 रन 9 बॉल 31 रन ऐसे मैच प्रयोग कर लो और ये रिंकू दिए और दिले यही तो चल गए और यही की धरती लगा अच्छी है। एक रन 9 पर 30 इसलिए 30 या तब या 30 9 पर 30 बिना रवे लोग सबल करा 9 पर 30 है। सारी मैच की जो कमेंट्री है अब फिर पहले रन बताएंगे 9 गटे पर चले 30 और कोई ग्राउंड में पानी नहीं लेके जाता। अब मैच खत्म हो रही है भैया तू छक्का
सामने तीसरे देवराज पांडे, ये बहुत आदर्श खिलाड़ी है। क्या पांच ऑलराउंडर गिने गए उत्तर प्रदेश में, तो मैं इनको एक मानता हूँ। सात गेंदे 23 रन, मैच अच्छा है, विशाल में अच्छे खेल रहे कर दो फटाफट सारे लोग। चौदह दो तीन बॉल चाहिए और पांच गेंदे दो गेंदे टैप करानी है। ये बड़ा अच्छा मैच है, फाइनल इससे कर दे सकता। ऐसा लग रहा था कि दर्शक आएंगे नहीं, लेकिन जब दर्शक आ रहे थे वो मैदान बड़ा है, दर्शक बहुत है। मार लगा भाई साहब, मार लगा। फाइनल इससे अच्छा दे सकता, इससे अच्छा टूर्नामेंट बताइए। 30 यार्ड के दायरे के पीछे पीछे दर्शक खड़े हुए, इतने दर्शक पांच बार चौदह, पांच बार चौदह, पांच बार चौदह। चार पर चौदह सब कुछ हो गया। अरे मैं की सबसे बड़ा जोड़ी बिना रिंग के बिना तेरा लोग बहुत काम करेंगे अपने जिला में। आज मेरे मन का तेरा लोग से दिखावा अपने जिला में चौदह
तीन पर तेरा सर तीन पर तेरा राहुल तेरिया राशि क्या अब तीन गेंद बचिए तीन गेंद तेरा बिल्कुल भाई मेरे पास से गई इसलिए मैं भाग गया मतलब दो दो पर दस दो बाउंड्री एक सिक्स एक फोर एक पर चार कौन जीतेगा फटाफट कमेंट एक पर चार पूरी पब्लिक टूट पड़ी एक पर तीन एक पर तीन चाहिए सभी ने पा रहे कमेटी बॉक्स से स्ट्राइक कर रहे हैं हेलो सभी ने पा रहे कमेटी बॉक्स के आगे से सब आते हैं Thank you.
जी हाँ, अभी मैच पूरा नहीं हुआ, एक बॉल बाकी है, एक पर तीन, एक पर तीन, एक बॉल बाकी है, अभी भी एक बॉल बाकी है, एक बॉल पर तीन रन चाहिए। बिल्कुल, पब्लिक पूरे ग्राउंड में आ गई थी, पब्लिक हटाई जा रही है। एक बॉल तीन रन, एक गेट तीन रन। थैंक यू, हम बस जानना चाह रहे हैं।